एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वो कालू कौवा तो बहुत ही बुरा था। वह हमेशा बुरे काम करता, कभी किसी का भोजन छीन लेता तो कभी किसी को मारता। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती, क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था। उसके अंडे में से एक बच्चा भी निकलने वाला था, इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती। गोरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे नहीं डरते हैं। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो नया बेटा आने वाला है वो अभी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, यह जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शकल काली वैसे ही तू बातें भी कर रही है। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो, अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे ही काम करोगे, अब तो छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कहकाय। हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसा कहकर वो कौवा वहां से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है और फिर भी दूसरा बेटा मांग रहा है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और उस कौवे का अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत ही परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, इसमें मेरा क्या दोष, और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं आ गई मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हैं, इसीलिए ना कि मैं आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई कर रही थी, परंतु अंडा टूटा ही नहीं मुझसे। कालू कौवा भी सैर सपाटे करके वापस लौट आता है। देखो कालू कौवे, आप मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा है। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे अंडे से बेटी ही निकलेगी, अब लाना भोजन और खिलाना इसे। मुझसे पेट नहीं भरा जाएगा इसका, तुम्हारी इस काली सकाल वाली बेटी का तुम ही पेट भरना। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ ना, तो काली ही ना रहूंगी। मैं कौन से कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और गोरी चिट्टी रहूंगी। सुंदरी चुप कर जा, मेरी बच्ची चुप कर जा। रात को सुंदरी कौवी और उसकी मामा गोरी कौवी सोए हुए थे, परंतु कालू कौवा जाग रहा था। वह तो अपने अंडे से बेटी करने से बहुत परेशान था। अब मैं इसे कैसे भोजन लाकर खिलाऊंगा? अगर ये बेटा होता तो दूसरे पक्षी भी मुझसे डरते हैं। अब मैं इसकी रक्षा क्या करूंगा? और मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था जैसे किसी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं इसे कल पहाड़ों पर ले जाऊंगा, फिर इसे किसी चीज के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुमने सुंदरी को घोंसले में ही रखा है, ऐसा करता हूँ मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। तुम तो नदी में जाकर नहाए हो, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबू बखेरे हो। ज्यादा बातें ना किया करो, अगर किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। जा रही हूँ, सुंदरी का ध्यान रखना। ऐसे गोरी कभी नदी पर चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ ले जाता है। पहाड़ों पर जाता है, अभी वह बैठा ही था कि वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, ये तुम्हारी बेटी है ना? हाँ भाई, मेरी ही बेटी है।
सुंदरी नाम रखा है। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाए तो लड़कों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। क्या करूं अब? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। ऐसे कवि के दिमाग में शैतानी आदत आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी न चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले तुम वचन दो तुम किसी को बताओगे नहीं। नहीं बताऊंगी पापा, आप बताएं ना पापा क्या बात है। सुनो, सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुमको खाने को दे तो मत खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और तुम कभी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगी। रोज तुम एक ही सूखा दाना खाना। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है ना फल। वह लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी। अगर नहीं विश्वास हो तो खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं कभी भी फल नहीं खाऊंगी। मैं एक ही दाना खाऊंगी रोज। और ऐसे तुम खुद ही मर जाओगी, मुझे तुम्हें मारना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं। अपने मम्मा को और किसी को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें ये राज बताए हैं। वह सब चाहते हैं कि तुम्हारे सब पंख सूख जाए और तुम उड़ ना सको। फिर कालू कौवा अपनी मासूम बेटी सुंदरी को घर लेकर वापस आता है।